तन तिरंगा, मन तिरंगा, राहत तिरंगा, चाहत तिरंगा, जीत का विश्वास तिरंगा, और इस तिरंगे के लिए अगर जान भी देनी पड़ जाए तो उस कमिटमेंट से भी हम हटेंगे नहीं। और एक बार फिर से ऐसी कुछ कमिटमेंट डीएसपी हिमायू भट्ट ने दिखाई, कर्नल मनप्रीत ने दिखाई, मेजर आशीष ने दिखाई। कोकरनाग में एक एनकाउंटर हो रहा था, जब खबर मिलती है कि आतंकवादी उस जंगल में छुपे हुए हैं, ये वहाँ जंगल की ओर जाते हैं, आतंकवादी बुजदिलों की तरह इन पर हमला करते हैं, जिसमें ये तीनों ऑफिसर जो है शहीद हो जाते हैं। और आप इस समय देख सकते हैं दीवान देवी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे किस तरीके से कैंडल लाइट विजिल इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, एक स्पेशल प्रेयर्स, गायत्री मंत्र ये लगातार यहाँ पे पढ़ रहे थे, और उसके साथ साथ ये उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन शहीदों की वजह से हम आराम से सो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी आंखें नम है, यही आज वातावरण पूरे देश में आपको मिलेगा, आंखों में नमी आपको दिखेगी, आंखें नम हैं, आंसू हैं, और दिल में देश के लिए जज्बा जुनून लेकर, उसी जज्बा जुनून जिसके साथ हमारे देश के जो जवान हैं अक्सर खड़े रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जो आप इन जवानों के लिए श्रद्धांजलि जो आपने रखी हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं, हम, हमारा पूरा देश बहुत ज़्यादा दुख में है कि हमारे तीन जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि वो जहाँ पे भी होंगे उनको शांति मिले, और हम सब भी उनके लिए आज गायत्री मंत्र गा रहे हैं ताकि वो जहाँ पे भी जाए उनके जो काम उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है वो व्यर्थ ना जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करना चाहूँगी कि हमारे तीन जवानों की डेथ हो गई है कल, और डेथ उन्होंने शहीद हुए हैं वो देश के लिए, और ये दुख के साथ साथ एक बहादुरी की भी बात है कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के पहले देश को प्रायोरिटी दी और अपनी जानें भी गंवाई लेकिन भारत माता के नाम पे। और उनकी फैमिलीज को भी काफी दुख है, हमें भी काफी दुख है, पूरे नेशन को काफी दुख है। ये समय उन परिवार वालों के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं जिन परिवार के बहादुर सपूतों ने देश के लिए अपनी जान गंवाई, अपना बलिदान दिया, क्योंकि ये वो शहीद हैं जिनको हमेशा पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट है हमारे लिए, बट आई थिंक वी शुड प्राउड ऑफ देम एज दे हैड लूज देयर लाइव्स फॉर आवर प्रोटेक्शन, सो आई थिंक वी शुड प्राउड ऑफ देम। ये वो प्रोटेक्टर हैं जो देश की प्रोटेक्शन के लिए हर दम खड़े रहते हैं, ये वो प्रोटेक्टर हैं जो कभी भी चिंता नहीं करते अपने परिवार की, क्योंकि इनका परिवार इनका देश है, और हमेशा जज्बा देश के लिए लिए घूमते हैं। देश शिवा वर मोहे शुभ कर मन से कभू न ठरूँ, ना डरूँ और सो जब जाए लड़ूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। इसी दृढ़ निश्चय के साथ हमने देखा है कि कई वर्षों से हजारों के करीब जो हमारे जवान हैं सुबह तैनात हो जाते हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, ताकि भारत देश और तिरंगे की आन शान बान पे कोई खतरा ना आए, और हमेशा वो चाहते हैं कि ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे। लेकिन जब आप एक तस्वीर देखते हैं इस डीएसपी हिमायू भट्ट की, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया गया तो यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। मैं आज उन नेताओं से कहना चाहता हूं, हिमायू भट्ट जैसे जवान हैं जो तिरंगे के लिए अपनी जान दे सकते हैं, ये कश्मीर का वो बहादुर सिपाही है जिसने तिरंगे के लिए, भारत माता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, एक पल के लिए भी सोचा नहीं अपने परिवार के बारे में। और पहले उनके जो वालिद थे वो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर रहे थे, वो भी उनके कदमों पर चलते हुए उन्होंने भी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आप देख सकते हैं तिरंगे हर जगह आपको मिलेंगे, इस तिरंगों को उठाए हुए हर एक की आंखें नम हैं, उदासी है, लेकिन देश के लिए प्यार और इन बहादुरों के लिए प्यार है, और वो चाहते हैं कि वक्त आ गया है कि इनकी शहादत को ना भूला जाए और उसका बदला लिया जाए और पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए, और वो जो आतंकवादी आए हैं यहाँ से भाड़े के आतंकवादी, उन्हें कब्रिस्तान पहुँचा दिया जाए। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ द भारत की।